नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में मिली भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। क्रिकेट के महाकुंभ का आधा सफर अब खत्म हो चुका है। कुछ टीमों ने अपने 9-9 मैचों में से 5-5 मैच खेल लिया है तो कुछ ने 4-4 मैच खेले। अगर बात ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की करें तो इन टीमों ने 5-5 मैच अपने खेल लिए हैं, जबकि न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन टीमों ने 4-4 मुकाबले ही खेले। और आज दिन सोमवार को वर्ल्ड कप का 23वां मैच भी चल रहा है जो बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच हो रहा है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेमीफाइनल की वो चार टीमें कौन सी होंगी जो सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी, एक दूसरे के बीच उनके बीच मुकाबला होगा। तो आइए जरा अब तक हुए मुकाबलों की तुलना करते हुए एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक संभावना व्यतीत करते हैं जो कि कहा ये जा रहा है, और उसके तहत हम आपको बताएंगे कि चार टीमें वो कौन सी होंगे जिनके तहत सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप अंक तालिका के अनुसार अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 5 में से 4 मैच इसने जीते हैं, 1 में इसको हार मिली है और वो हार भारत के खिलाफ मिली थी। न्यूजीलैंड जिसने 4 मैच खेले हैं जिसमें से 3 में जीत मिली है और 1 बारिश की वजह से रद्द रहा है। वहीं अगर भारत की बात कर ले, 4 मैच भारत ने खेले हैं, 3 में जीत मिली है और 1 बारिश की वजह से रद्द रहा है जो न्यूजीलैंड के साथ खेलना था। इंग्लैंड की बात करें तो 4 मैचों में से 3 में उसे जीत मिली है और 1 पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेला था जिसमें उसे हार मिली थी। इसके अलावा कोई भी टीम इस अभी तक के मुकाबले में 1 मैच के से ज्यादा मैच नहीं जीत पाई है। और बात अगर अफगानिस्तान की करें तो उसने अपने सारे मुकाबले गवा दिए हैं। और इन आंकड़ों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि अब सेमीफाइनल की तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। और अभी तक के प्रदर्शन के हिसाब से कहें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 4 टीमें हैं जिनका सेमीफाइनल जगह पक्की बताई जा रही है। अभी अब तक के अगर पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ न्यूजीलैंड और भारत ही एकमात्र ऐसी टीमें हैं जिसने अपने सारे मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबले में भी इनको हार नहीं मिली है। सेमीफाइनल आपको बता दें कि 9 और 11 जुलाई को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के नॉकआउट जो चरण है 9 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और पहला मुकाबला सेमीफाइनल का 9 जुलाई को खेला जाएगा जो कि मैनचेस्टर में होगा। वहीं जबकि दूसरे मुकाबले की बात करें सेमीफाइनल का तो वो 11 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा और फाइनल की बात करें तो 14 जुलाई जो कि पहले से डेट फिक्स है लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और ऐसी तरीके से हम अगर बात करें सेमीफाइनल की टीम की तो लगभग इसमें जो 4 टीमें हैं, भारत, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात की है, इनमें से बात जरा भारत की करते हैं। मुकाबला 4 खेला, 3 में जीत मिली और 1 बारिश की वजह से रद्द हुआ। अंक तालिका में कुल 7 अंक है और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर फिलहाल भारत है। और अब तक खेले गए सारे मैच भारत ने जीते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताया। अगर हराने की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच हुआ, दक्षिण अफ्रीका को हराया, और कल यानी कि रविवार को जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, बड़े अंतर से यहां पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश की वजह से रद्द रहा है। बचे हुए मैच में इंडिया का जो मुकाबला होगा वो बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका के साथ होगा। अगर बात हमने आपको पहले ही बताया था कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराना अधिक मुश्किल भारत के लिए नहीं होने वाला है, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा मुकाबला यहां पर जरूर चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जिस तरीके से हम ये बता रहे हैं कि 9-9 मैच सारे टीमों को खेलने हैं, अगर इसमें से 6 मैच कोई टीम जीतती है तो उसका सेमीफाइनल में जाना तय है। इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि भारत का सेमीफाइनल में जाना तय बताया जा रहा है। बात ऑस्ट्रेलिया की कर ले तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत मिली है और 1 में हार मिली है और वो हार भारत के खिलाफ मिली है। कुल 8 अंक है और अंक तालिका में फिलहाल शीर्ष पर है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ उसे जीत मिली है, उसके आपको बता दें श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया ने हराया है जबकि भारत से उसे हार मिली है। आगे जो मैच होगा वो बांग्लादेश के खिलाफ होगा जो कि काफी आसान होगा, और इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा मुकाबला यहां पर जरूर कड़ा हो सकता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका को मात देना उसके लिए मुश्किल नहीं हो सकता है। बात चलिए थोड़ा सा इंग्लैंड के भी कर लेते हैं। मुकाबले 4 खेले, 3 में जीत मिली, 1 में हार मिली और 1 में हार पाकिस्तान ने हराया था। और कुल अंकों की बात करें तो 6 अंक है और अंक तालिका में फिलहाल 4थे स्थान पर यहां इंग्लैंड की टीम है। अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को भी हराया, पाकिस्तान के खिलाफ उसे हार का सामना भी पड़ना पड़ा। आपको बता दें कि जो आगे उसके मैच होने वाले हैं वो अफगानिस्तान के साथ होगा जिसे हराना काफी मुश्किल नहीं होने वाला है।
श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला है उसे भी हरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसके मुकाबले बचे हुए हैं जहां इसको कड़ी टक्कर मिल सकती है ऐसा बताया जा रहा है। अगर बात इसके बाद हम थोड़ी सी न्यूजीलैंड की करें जिसने अभी तक अपने एक मैच भी नहीं हारा है, 4 मैच खेले, 3 में जीत, 1 जो भारत के साथ था वो रद्द हो गया है और 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम है। बांग्लादेश श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को भी हराया और भारत के खिलाफ बारिश की वजह से मैच रद्द रहा। आगे जो मैच होने वाला है वो दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होने वाला है। बात अगर दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान को भी यानी कि इन तीनों टीमों को न्यूजीलैंड हरा सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड का मुकाबला जो इंग्लैंड से होगा वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज है वहां इसको भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल एक मैच ही जीता है और वो है आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ और उसके बाद से यहां पर कुछ उसके लिए बचा नहीं है। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये जो 4 टीमें हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनका लगभग सेमीफाइनल में जाने का रास्ता खुल गया है क्योंकि अब तक इनके अलावा और भी किसी टीम ने एक से ज्यादा मैच नहीं जीता। हालांकि कई मैच बारिश की वजह से जरूर धुल गए हैं जहां क्रिकेट प्रेमियों को थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जिस तरीके से कल पाकिस्तान को हराया और आगे वाले मैच जो होने वाले हैं थोड़े से आसान होने वाले हैं, तो सेमीफाइनल में टिकट यहां पर तय बताई जा रही है, जाना तय बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 11। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।